एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आप यहां पर दो डेक देख रहे होंगे और आपने थंबनेल भी डेफिनेटली चेक कर लिया होगा। आज बेसिकली हम यहां पर इस रीडिंग में थर्ड पार्टी पर रीडिंग करने जा रहे हैं। आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन का अब करंट में आपको लेकर क्या सोचना है और उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, क्या थॉट इनके दिल में आप दोनों को लेकर चल रहे हैं, ये चीज़ें देखी जाएंगी। साथ में भी बस यहाँ पर ये भी देखूंगी कि किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीत होगी, आपकी या थर्ड पार्टी की, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। व्यूअर्स, बस और बस आपको ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ वो आपके आपके पार्टनर के नेम के बेस पर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको उसके बेस पर रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनली रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन कॉल आपको नहीं करनी है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करना है, डिटेल लेनी है, जानकारी लेनी है और फिर अपॉइंटमेंट लेकर आपको रीडिंग बुक करानी होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी देर नहीं करते हैं। उसके अलग बस ये भी याद रखिएगा व्यूअर्स कि अगर आपको पता है कि आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है और आपको कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के बारे में पता है कौन है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी की जो भी रीडिंग है वो डाउट के बेस पर नहीं हो रही है। ठीक है, रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है और इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं ग्रीन डेक से देख लेती हूँ आपको लेकर आपके पार्टनर की क्या सोच है और फिर देखेंगे थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की क्या सोच है। फोकस बस और बस दोनों ही कंडीशन में आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या सोचना है। कंट्रोल, नर्चर, न्यू वाइटलिटी, बेस चक्रा एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपकी या आपके पर्सन में से किसी की भी हो सकती है। जैसे ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये टॉरस और वो है आपका लियो। नंबर मुझे आपके लिए यहाँ पे 8, 3 एंड 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका अगस्त, मार्च और जनवरी मंथ, जिसमें 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 111 भी दिखाई देता हो या 1111 एंजल नंबर भी दिखाई दे रहा हो, तो उसकी भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन होना हो अब अपनी लाइफ में जिस भी किसी के साथ है, ये आपको लेकर एकदम क्लियर हो चुके हैं। इनके थॉट्स आपको लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, आपके साथ रहकर इनकी ज़िंदगी में किस तरह से ग्रोथ इन्हें मिलनी है, या इनकी लाइफ में अगर किसी भी तरह से इनकी फाउंडेशन यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है, ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप इनके लिए किस तरह से वो स्ट्रेंथ हो। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अब करंट में होना हो अपने जो भी इन्होंने एक बिलीफ सिस्टम पहले बनाकर रख रखा था आपको लेकर कि आप में ये है वो है, हजार कमियां जो इंसान कभी एक वक्त में आप में निकाल रहे थे, रख रहे थे, वो इंसान यहाँ पर इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं कि आप जैसे नर्चर करने वाला या वाली, आप जैसे पैम्पर करने वाला या वाली, इन्हें डेफिनेटली अपनी लाइफ में ना आज मिला है या मिली है और शायद ही आगे मिलेगा या मिलेगी, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर डेफिनेटली अपने आप को एकदम क्लियर होते हुए पा रहे हैं। उसके अलग यही क्लैरिटी इस पर्सन को आपके लिए इनके दिल में वो पैशन भी जगा रही है, जो पैशन कभी एक वक्त पे इस रिश्ते की शुरुआत के वक्त आपने देखा था, यानी कि जो
चीज़ें आपने इनकी आंखों में देखी, इनकी आंखों में एक चमक आपने देखी ना, वो चमक इस पर्सन की आंखों में अभी भी है। और ये चमक कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यहाँ पर जितना आप दोनों के बीच में दूरियां हुई हैं या जितना वक्त आप दोनों को एक दूसरे से रहकर हुआ है ना, उस वक्त ने इन्हें दिखाई है कि भाई आपके साथ इन्हें इनकी ज़िंदगी में क्या मिल रहा था, क्या मिल सकता था। तो वो चीज़ें ये पर्सन अब एक्चुअली में कंपेयर कर पा रहे हैं। पहले जब ये फेज़ आप दोनों के बीच में नहीं था ना, तब इनके पास कुछ कंपैरिजन करने के लिए चीज़ नहीं थी, लेकिन अब इस पर्सन के पास जितना ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि हाँ आपके साथ कैसा वक्त था और आज इनका कैसा वक्त है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर अपने थॉट्स को क्लियर होते हुए पा रहे हैं। उसके अलग ऐसा भी देख रही हूँ व्यूअर्स की इस पर्सन की निगाहें कहीं ना कहीं किसी के भी साथ हो लेकिन हैं आप ही के ऊपर, या इनकी निगाहें ढूंढ आप ही को रही हैं। ये अपने आप को इवन कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे आप पर निगाहें रखने को लेकर, यानी कि यहाँ पर साफ साफ एक स्टॉकिंग वाली, एक स्पाई करने वाली मुझे एनर्जीज दिख रही है। वो बात और है भाई आप अब इस पर्सन को अपने बारे में कोई जानकारी देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे हो, लेकिन इनका दिल आपको ढूंढने के लिए आपके ऊपर निगाहें रखने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ये पर्सन इवन अब ये भी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि अगर ये वापसी आप ही के साथ इस रिश्ते में करते हैं ना, तो आप अपने प्यार से, अपने सपोर्ट से, अपनी गिविंग नेचर से इनके जो भी नींव हिल चुकी है, जो भी ये कहीं ना कहीं एकदम से इस सेपरेशन के बाद एकदम पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए हैं ना, तो वो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भर दोगे। मतलब जो भी दरारें आई हैं आप दोनों के कनेक्शन में, या जो भी जिस भी तरह से इनके अंदर टूट फूट हुई है, इनका दिल टूटा है, तो आप उसे पूरी तरह से यहाँ पे भर दोगे। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपको लेकर फील कर रहे हैं, या कह सकते हो कि वो उम्मीद इस पर्सन के अंदर है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इन्हें पूरा कर दोगे, इन्हें फिर से वही स्ट्रेंथ दोगे, उसी तरह से इन्हें मजबूती दोगे। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपने डेफिनेटली इस पर्सन को बच्चे की तरह प्यार करा है, नर्चर करा है, और वो प्यार डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पे मिसिंग है। और जब ये प्यार के बारे में, नर्चर के बारे में, पैम्परिंग के बारे में, केयर करने के बारे में जब सोच रहे हैं ना, तो इनका सिर्फ और सिर्फ थॉट, इनका बिलीफ सिस्टम आप पर ही जाकर रुक रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मतलब अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ इनकी सोच आपको लेकर बनी हुई है। तो इन 5 कार्ड से तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अभी तो आप ही का यहाँ पे पलड़ा भारी है, भले एक वक्त पे इस इंसान की वजह से आपका पलड़ा यहाँ पे हल्का पड़ा या आपका पलड़ा यहाँ पर टूटा भी, लेकिन ये सेपरेशन, इस दूरी ने इस पर्सन की फीलिंग्स को जितना ज़्यादा यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर रखा है ना, उतना ज़्यादा मुझे आपका पलड़ा अभी यहाँ पे इन 5 कार्ड से भारी होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर की क्या सोच बनी हुई है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर क्या बनी हुई है, थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच के बारे में बताइए। सफरिंग इन साइलेंस, डेस्टिनी, विक्ट्री एंड सक्सेस, अथॉरिटी एंड बॉटम है चर्च। ओके, यहाँ पे राशियाँ मैं जो भी आपको बताऊंगी ये आपके पर्सन की होगी या उस थर्ड पार्टी की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, सजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका एरीज हो गया और ये हो गया आपका स्कॉर्पियो। नंबर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे 9, 10, 1, 6, 4, 20 एंड 2, और मंथ मुझे आपके लिए यहाँ पे सेप्टेम्बर, अक्टूबर, जनवरी, जून, अप्रैल और आपका फरवरी, ये इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो हो सकता है इसी मंथ में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए, आपको छोड़कर, आपको चोट पहुंचाकर, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर, जो भी मंथ आपको अब कनेक्ट करनी है ना, तो वो थर्ड पार्टी से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है,
ऐसा देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स, पहली चीज़ तो देखो, ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन का एक कार्मिक पार्टनर है। किसी भी तौर पर ये इनकी ज़िंदगी में क्यों ना आया हो या आई हो, लेकिन ये इनका कार्मिक है जिसका आना भी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो जिसका जाना भी यहाँ पर डिसाइडेड है। यानी कि आपके पर्सन के कर्मों के खातों को पूरा करने के लिए इस थर्ड पार्टी की एंट्री आपके पर्सन की लाइफ में हुई है, ऐसे मैं चांसेस यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसी भी तौर पर, किसी भी रूप में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में क्यों ना आई हो, मुझे ऐसा दिख रहा है जिस भी रूप में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई है ना, ये अपनी ही एक पावर, एक अपनी ही अथॉरिटी, एक अपना ही एक कह सकते हो एक जज्बा लेकर आई है। यानी कि काफ़ी स्ट्रांग में मुझे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आते हुए दिखी है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन के जो खाते थे वो थे ही इतने यहाँ पे तगड़े, इस थर्ड पार्टी के आने से ही इन्हें पूरे करने थे। यहाँ पर एक ऐसी वाइब्रेशंस मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होकर भी पूरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, पूरी तरह से तकलीफ़ में हैं। मतलब एकदम सन्नाटा सा यहाँ पे छाया हुआ है, बस अपने कर्मों को पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, डेस्टिनी में जो जैसे लिखा है बस उसे फॉलो करना है। तो वो सोच आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ रहकर हो रही है। एज एन जैसे ये पर्सन आपको लेकर तो आपकी क्वालिटीज़ को रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ आपके साथ देख रहे हैं, अपनी नींव आपके साथ स्ट्रांग होते हुए आपके प्यार को देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ जैसे आपके पर्सन को जस्ट ऐसी फीलिंग आ रही है इसके साथ रहकर कि बस किसी घड़ी में, घड़ी की चौथाई में इनका ये जो भी कर्मा है ना थर्ड पार्टी के रिगार्ड, जो भी अकाउंट है वो इनका पूरा हो जाए और ये अपने रास्ते और थर्ड पार्टी अपने रास्ते। एज एन यहाँ पर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी पर रोते हुए, उस पर तकलीफ जाहिर करते हुए यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत खामोशी से ये पर्सन अपने समय को, अपने वक्त को काटते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एज एन जैसे कि दिन गिन रहे हो, यहाँ पर बस कॉम्प्रोमाइज़ जैसी सिचुएशन इनकी बनी हुई हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन्हें थर्ड पार्टी की जीत पर वो खुशी नहीं हो रही, या अपनी जीत पर भी इन्हें अब कोई खुशी नहीं मिलती हो। तो ऐसी सोच मुझे आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर बनते हुए दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो जितना ज़्यादा आपको लेकर इस पर्सन की बिलीफ सिस्टम्स क्लियर हो रहे हैं, उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन के जो भी फीलिंग्स है ना वो यहाँ पर एक कर्मास पर जाकर अटक रही है। तो इसी इन्हीं कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर और क्या सोचना है करंट में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट फिर से आया है भाई, एट ऑफ कप्स एंड बॉटम है पेज ऑफ हैंड्स। थर्ड पार्टी बड़ी कनिंग टाइप की दिख रही है, बड़ी जैसे ना चालाक, जैसे इसकी दो आंखें आगे हैं तो दो आंखें इसकी पीछे हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखो आपके पर्सन डेफिनेटली ना थर्ड पार्टी के साथ रहकर खुश तो नहीं है, मतलब इनकी मन में एक ऐसी ही थॉट्स, ऐसी ही फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि बस ये किसी भी पल में, किसी भी घड़ी में इससे जुड़ी जो भी इनकी फीलिंग्स थी ना ये उसे छोड़कर इसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं। तो वो थॉट आपके पर्सन के मन में यहाँ पे पनपते हुए चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इसके साथ रहकर भी एक ऐसी फीलिंग्स इनकी दिखाई दे रही है जैसे हर तरह से अपने आप को खाली पा रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली तौर पर खाली अपने आप को पा रहे हैं, चाहे इमोशनली तौर पर, या एक सुकून जो होता है इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है उसके तौर पर, हर तरह से जैसे इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को खाली कर दिया हो वो एहसास यहाँ पर इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हालांकि ये पर्सन इस चीज़ को अपने कर्मा से रिलेट कर रहे हैं कि भाई देखो कर्मा की तो जीत होती है, लेकिन जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं, उसका यहाँ पर कोई इन्हें अंत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा फील है जैसे यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी किस्मत है, और इस चीज का दोष, इस चीज का आरोप ये किसी और के ऊपर भी डाल नहीं सकते, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले यही हैं।
ठीक है व्यूअर्स, एज एन की यहाँ पे ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि जब ये पर्सन आपको छोड़ रहे थे आपकी जिंदगी से, जब ये गए, तो इन्होंने ही थर्ड पार्टी को वो वैल्यू दी, इन्होंने ही थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा, उसे चुना, उसे प्रायोरिटी दी। और अब जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऑब्वियसली इन्हें ये चीज़ें फेस करनी ही थी। ऐसी कुछ सोच आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर बनी हुई है। मतलब एक होता है ना कि भाई तुमने चुना है, अब तुम ही भुगतो, तो वो फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की साइड से बनती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर निगाहें रखे हुए है, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस क्या एज एन क्या सोच है, किस तरह के थॉट्स हैं, सब चीज़ों पर निगाहें थर्ड पार्टी की बनी हुई है। लेकिन आपके पर्सन जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ओवरऑल इसका निगाहें रखना ना रखना सब बेकार ही है। मतलब इस थर्ड पार्टी के मन में इस चीज़ की कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे तो नहीं आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ तो नहीं रहे हैं, या आपके तो नहीं हो रहे हैं। तो इन कार्ड्स के बेस पर ये चीज़ें तो हैं व्यूअर्स की, अगर इमोशंस वाइज, प्यार वाइज अगर यहाँ पर कंपेयर करा जाए ना, तो आपका पलड़ा यहाँ पर अब जाकर भारी बन रहा है, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी का पलड़ा भले पहले यहाँ पे भारी था, भले थर्ड पार्टी ने अपने पलड़े को यहाँ पर जैसे तैसे भारी करा, लेकिन अब इस थर्ड पार्टी का ही पलड़ा यहाँ पर मुझे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये कह सकते हो एक वक्त पे ये टूट भी सकता है, उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है। ओवरऑल आपके पर्सन यहाँ पर अपने अच्छे वक्त को अब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जीत को अपनी तरफ वापस से अट्रैक्ट, यानी कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जितना इसके साथ अपना खाता लिखवा कर आए हैं वो तो इन्हें पूरा करना होगा। इस चीज़ को ये भी मान रहे हैं और ओवरऑल ये चीज़ें हैं भी। अब नेक्स्ट सवाल, मैंने आपसे ये बोला था कि ये देखूंगी मैं कि क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्या आपको जीत मिलेगी। जैसे अभी आपका पलड़ा भारी है, तो क्या जीत आपके हिस्से आएगी, या अभी भी जो जीत है वो इसी थर्ड पार्टी के हिस्से आएगी, ये चीज़ें और देखते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैं दो कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए कि क्या जीत आपकी होगी, और दूसरा कार्ड निकालूंगी क्या जीत थर्ड पार्टी की होगी। दो कार्ड्स यहाँ पर निकाले जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की जीत होगी या नहीं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो ये मैंने निकाला आपके लिए। अब देखते हैं क्या थर्ड पार्टी की जीत होगी। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी की जीत होगी या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ये निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब खोलकर देखते हैं दोनों ही कार्ड्स। सबसे पहले आपके लिए कि आपके हिस्से जीत आएगी, आपकी जीत होगी या नहीं। वाओ, द मैजिशियन। भाई देखो, मैजिशियन का कार्ड है ना, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, और एक मिरेकल को बताता है, एक मैजिक को बताता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड मैजिक यहाँ पर होगा, यानी कि जीत आपके हिस्से आएगी और एकदम अनएक्सपेक्टेड। आप जब ये उम्मीद छोड़ दोगे ना, अब कुछ नहीं होने वाला, अब यहाँ पे आपको कुछ भी जीत नहीं मिलने वाली, तभी यहाँ पे एकदम से कुछ ऐसे बानक बनेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी कि जीत आपके हिस्से यहाँ पर खुद चलकर आएगी। तो अभी तो ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अभी भाई टैरो से इसका देख लेते हैं थर्ड पार्टी का। वाओ, डेथ। तो भाई देखो, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी रिश्ता है, जो भी साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, उसका डेथ यहाँ पर होगा। थर्ड पार्टी की एंडिंग होगी यहाँ पे, थर्ड पार्टी को जीत नहीं मिलेगी। जो जीत मिलेगी वो आपको मिलेगी, आपके हिस्से यहाँ पर जीत आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन देखो व्यूअर्स, इस चीज़ के लिए समय लगेगा। अगर आपके पास इतना वक्त है तो आप यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्ट करो, और इस उम्मीद को आप तोड़ो मत, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे 13 वीक्स की पॉसिबिलिटीज तो बनते हुए दिखाई दे रही है इस थर्ड पार्टी के जाने की और आपके हिस्से जीताने की। तो आप ना थोड़ा सा अपनी सोच को यहाँ पर
पॉजिटिव रखो, क्योंकि देखो इनकी भी तो सोच एक वक्त पे आपको लेकर नेगेटिव हुई थी, या ये भी एक वक्त पे थर्ड पार्टी का पहाड़ा कर रहे थे, उसकी माला का जाप कर रहे थे, लेकिन अब आए ना अपनी लाइन पर, अब आए ना सारे थॉट्स इनके क्लियर हुए थर्ड पार्टी के साथ रहकर। जैसे कहते हैं ना कि देखो थर्ड पार्टी कब तक अपने असली रूप में नहीं आती, जो उसका असली रूप है वो एक दिन दो दिन महीना भर साल भर वो मीठा बनाकर रख सकती थी, लेकिन एंड द रिजल्ट जो जैसा है वो वैसा बाहर आएगा। सेम इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी का तो रूप इनके सामने आ रहा है और आपकी सच्चाई इनके सामने आ रही है। तो वही चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे कहना चाह रही हूँ व्यूअर्स, कि बस पॉजिटिव आपको अपने आप को बनाए रखना होगा, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, अब ड्राउजिंग के माध्यम से भी देख लेते हैं यस और नो में क्या आपकी जीत होगी या नहीं, क्या थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देख लेते हैं यस और नो में। यहाँ पे देखिए मैंने रखा है यस और ये है आपका नो, ठीक है व्यूअर्स। तो चलिए फोकस बस और बस आप अपने यूनिवर्स अपने डिवाइन पर बनाए रखिएगा, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ होली स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की जीत होगी या नहीं, क्या थर्ड पार्टी यहाँ पर जाएगी या नहीं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए व्यूअर्स यस पे आ रहा है और काफ़ी वक्त लगेगा, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि मेरे तक हाथ यहाँ पर कांपने लगे इतनी देर तक पकड़े रहने में, तो शायद आप भी एक वक्त पे ना इस चीज़ को लेकर उम्मीद तोड़ दो जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी ड्राउजिंग ने क्लियर करी हैं, जाएगी ज़रूर लेकिन एक वक्त पे शायद आपके भी पैर कांपने लगे, आप भी उम्मीदें खोने लगो कि नहीं जाएगी नहीं होगा, लेकिन एकदम से अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें अपने आप से आपकी तरफ बढ़ेंगी, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो पलड़ा आपका ही भारी है, जीत आप ही के हिस्से आनी है, लेकिन अगर नेगेटिव रखोगे अपने आप को, नेगेटिव सोच रखोगे, आसपास नेगेटिव लोगों को रखोगे, अपने आसपास का माहौल नेगेटिव रखोगे, तो ओवरऑल ब्लॉकेजेस आप अपने आप से अपने लाइफ में इकट्ठे भी करोगे, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं नेक्स्ट रीडिंग में, ओके बाय बाय।